हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का जो हमारा गाइस फ्रंट रहेगा वो हमारा इसका 32 फीट का रहेगा और जो हमारी इसकी डेथ रहेगी वो हमारी इसकी 40 फीट की रहेगी। अब गाइस मैं आपका थोड़े इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। 2 BHK इसमें हमारे बेडरूम रहेंगे, ठीक है गाइस, और एक इसके अंदर हमारी लॉबी रहेगी और एक इसके अंदर हमारी एक कॉमन टॉयलेट रहेगी, एक इसमें हमारा किचन रहेगा, एक डाइनिंग रूम रहेगा और एक इसके अंदर हमारा पॉर्च रहेगा, ठीक है गाइज। अब गाइज मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ, इसकी डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी, ठीक है गाइज। जो गाइज हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा वो लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ से रहेगा और जो हमारा पॉर्च है, पॉर्च की जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमारी 9 फीट 6 इंच की इसकी लंबाई रहेगी और चौड़ाई 16 फीट 4 इंच की रहेगी। और जो हमारा इसके अंदर पार्किंग एरिया रहेगा वो हमारा पार्किंग एरिया इसका यहाँ पर रहेगा, ठीक है गाइज। और जो हमारा इसका ये हमने ओपन एरिया छोड़ा हुआ है, ये हमारा ओपन छोड़ा हुआ है, ये हमारा गार्डन वगैरह के लिए यूज़, प्लांट्स वगैरह के लिए यूज़ हो जाएगा। और जो इसका साइज़ रहेगा वो 7 फीट 2 इंच की इसका साइज़ रहेगा। और जो हमारा स्टेयर का रहेगा वो स्टेयर का हमारा इसका यहाँ से रहेगा और लॉबी और पॉर्च के बीच में जो डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ से रहेगा। और जो हमारा किचन है इसका डोर गाइज हमारा यहाँ पर रहेगा और जो किचन का साइज रहेगा वो 7 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 7 फीट 7 इंच की रहेगी। और जो इसकी विंडो रहेगी वो जो इसका वेंटिलेशन रहेगा वो वेंटिलेशन इस ओपन से यहाँ से रहेगा और 2 फीट की इसमें हमारी स्लैब रहेगी, ठीक है। और जो हमारा इसमें डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम का डोर रहेगा इसका यहाँ से ओपन से रहेगा और सेकंड डोर हमारा इस लॉबी से यहाँ से रहेगा। और जो इसकी विंडो रहेगी वो विंडो हमारी रॉड से यहाँ से रहेगी ताकि इसका वेंटिलेशन हमारा, इस डाइनिंग रूम का वेंटिलेशन हमारा रहे, ठीक है। और जो हमारा इसमें सोफ़ा सेट रहेगा वो सोफ़ा सेट हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और टेबल हमारी इसकी यहाँ पर रहेगी। और डाइनिंग रूम का जो हमारा इसका साइज़ रहेगा, जो इसकी लंबाई रहेगी वो हमारी 13 फीट 7 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई 12 फीट 7 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। और जो हमारा इसमें कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट का डोर गाइज हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और इस कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ रहेगा वो 5 फीट 6 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 फीट 7 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। और जो ये ओपन एरिया रहेगा हमारा गाइज, इस ओपन एरिया का जो हमारा साइज़ रहेगा वो 5 फीट 8 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 5 फीट वो 7 फीट की इसकी चौड़ाई रहेगी। ताकि हमने ओपन एरिया इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि इस डाइनिंग बेडरूम का भी वेंटिलेशन रहे और इस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन रहे और इस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन हमारे इस ओपन से रहे। और जो हमारा ये लॉबी है, लॉबी का जो हमारा साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 15 फीट 4 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 9 फीट की रहेगी। और जो हमारी इसकी डाइनिंग टेबल रहेगी वो डाइनिंग टेबल हमारी इसकी यहाँ पर रहेगी। और जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है इसका डोर गाइज हमारा यहाँ से रहेगा और जो हमारा बेडरूम का साइज रहेगा वो 11 फीट 6 इंच की लंबाई और चौड़ाई 12 फीट 2 इंच की रहेगी। और इसका वेंटिलेशन जो रहेगा, इसकी विंडो रहेगी वो इस ओपन से यहाँ से रहेगी। और इसका जो हमारा बेड रहेगा वो बेड हमारा इसका गाइज यहाँ पर रहेगा। और जो इसकी वो रहेगी LCD, वो LCD हमारी इसकी यहाँ पर रहेगी। और जो हमारा टॉयलेट है इसका डोर गाइज हमारा यहाँ पर रहेगा और इसका वेंटिलेशन हमारा इसका ओपन से यहाँ से रहेगा। और इस टॉयलेट का साइज 5 फीट 7 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 8 फीट 2 इंच की रहेगी। और जो हमारा सेकंड बेडरूम है इसका डोर गाइज हमारा यहाँ पर रहेगा और जो हमारा बेडरूम का जो साइज़ रहेगा वो हमारा 13 फीट 4 इंच की लंबाई और चौड़ाई 12 फीट 11 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। और जो हमारा इसका बेड रहेगा वो बेड हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और जो इसका डोर रहेगा वो हमारा ओपन का, वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा। और वेंटिलेशन जो रहेगा इस बेडरूम का वो हमारा इसका इस ओपन से यहाँ से रहेगा। इस ओपन एरिया की जो लंबाई रहेगी वो हमारी 3 फीट 6 इंच की लंबाई, चौड़ाई 5 फीट की रहेगी। और स्टोर रूम का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और स्टोर रूम का जो साइज रहेगा वो 5 फीट 7 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी, ठीक है गाइज। मैंने आपको सभी इसकी डिटेल बता दी है। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है तो गाइज आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर इसी में ही है। जो भी गाइज आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप हमारे से व्हाट्सएप कांटेक्ट पर आप अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हैं। हम आपको 24 घंटे में आपको पूरी उसकी PDF फाइल सेंड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर गाइज एपेक्स आर्किटेक्ट्स।